हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद आज आप लोगों के सामने कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर के आया हूं। तो आप लोग गाइस स्क्रीन पर देख रहे होंगे सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। तो आज हम यहां पे कामयाब और नाकामयाब लोगों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या होता है एक सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन। तो चले गाइस आज हम इसको देखते हैं। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे, अपने गोल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस गोल को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे एन अकेडमी आपको वहां पे 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ का प्लान प्रोवाइड कराती है। और मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगा कि आप कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस आप मिनिमम 12 मंथ का प्लान लीजिएगा अकेडमी पे मिनिमम। इसका फायदा यह है कि आप जानते हो कि गाइस 1 मंथ और 3 मंथ में प्रिपरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। और 6 मंथ और 12 मंथ की फीस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो समझदारी 12 मंथ के प्लान में है मिनिमम, ठीक है। और एन अकेडमी आपके लिए ये भी करती है कि अगर आप एक साथ 10,000, 12,000 या 15,000 अलग अलग कोर्स के अलग अलग फीस होती है एन अकेडमी पर, आप एक साथ नहीं पे कर सकते हो तो आप मंथली आप इंस्टॉलमेंट पे आप फीस पे कर सकते हो ईएमआई सिस्टम से, ठीक है। तो अब आप सोच लो एन अकेडमी आपके लिए इतना कुछ करती है। देन गाइस और ऊपर से अगर आप मेरा रेफरल कोड भी यूज करते हैं सैफ10, तो सैफ10 मेरा रेफरल कोड है। जैसे आप मेरा रेफरल कोड सैफ10 यूज करते हैं आपको वहां पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट 10% का सिर्फ इसी महीने फेब तक है। मार्च से आपका डिस्काउंट घटा करके 5% कर दिया जाएगा। तो गाइस हरी अप, जल्दी करिए क्योंकि अब आपके पास मौका कम है और इन अकेडमी पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा प्लस प्लेटफॉर्म पर और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पर। गाइस एक्चुअली प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म होता क्या है, दोनों में फायदा क्या होगा, ये मैं आज आपको बता दूं फिर हम अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें कॉमन होंगी, प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें कॉमन होंगी, जैसे लाइव क्लासेस आपके दोनों प्लेटफॉर्म पे दिए जाएंगे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से। गाइस टेस्ट सीरीज आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे दी जाएंगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, स्ट्रक्चर शेड्यूल्स आपको गाइस दोनों प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फिर आपको आइकॉनिक पर सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, ये देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप इसलिए कह सकते हो कि गाइस आपको एक पर्सनल कोच एक पर्सनल मेंटर दे दिया जाएगा। जब भी आपको एनी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना होगा, फौरन आप अपने कोच से कहेंगे, अपने मेंटर से कहेंगे, उसका सोल्यूशन फौरन आपके पास आ जाएगा। सोचिए कितनी बेहतरीन चीज एन अकेडमी आपके लिए लेकर के आई है। देन गाइस स्टडी प्लानर, जी हाँ आपको पूरे पूरे हफ्ते का प्लान दे दिया जाएगा या महीने का प्लान दे दिया जाएगा, आप उसी हिसाब से अपना काम करिएगा। स्टडी बूस्टर सेशन होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिसेज होंगी और आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टडी मटेरियल्स आप लोग पूछते रहते हैं, सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, सर कौन सी बुक ले लें। तो एक्चुअली एन अकेडमी खुद आपके लिए इतनी बेहतरीन रिसर्च करके इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर वो आपको प्रिंटेड मटेरियल्स नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे स्टडी मटेरियल्स, कि जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीजें थी। और आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने आज जो एक मोटिवेशनल टॉपिक मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ, रोज तो आप मुझसे पॉलिटिकल साइंस और एनवायरमेंट और कई करंट अफेयर कई सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ते हैं यहाँ पे एन अकेडमी पे। गाइस आज देखो मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, एक्चुअली आज आप लोगों से ये बात करने वाला हूँ कि एक कामयाब और नाकामयाब इंसान में फर्क क्या होता है। और ये वीडियो मेरे कोई भी आप जो एस्पिरेंट हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आज आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस बता दूंगा और आप इसी हिसाब से चलेंगे तो श्योर है कि आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। चले अब हम कुछ चीजें देखते हैं। एक्चुअली आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में क्या डिफरेंस है उस पर्सन में। आइए हम बात करते हैं
तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे प्लानिंग। जी हाँ, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूं। एक कामयाब इंसान में सबसे पहली खूबी होती है कि उसके पास प्लानिंग होती है, यानी कि विदाउट प्लानिंग वो कोई काम नहीं करता है। छोटा सा एग्जांपल आप समझिएगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास पूरा का पूरा प्लानिंग होता है, डे टू डे का प्लान होता है, वीक का प्लान होता है, मंथ का प्लान होता है, तो उनको मालूम रहता है कि हमें ये सारी चीजें करनी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको देखिएगा वो एक हफ्ते की बाद डेट देता है, या एक महीने की या दो महीने की, जैसे भी डॉक्टर की अपनी एक स्पेशलिटी होगी उसके हिसाब से वो आपको समय देगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस डॉक्टर के पास, एक सक्सेसफुल डॉक्टर के पास प्लान है कि आप इतने बजकर इतने मिनट पर इस डेट को इस मंथ में आइएगा तो मैं आपको वहां पे देखूंगा। तो इसका मतलब है वो सक्सेसफुल डॉक्टर के पास प्लानिंग है। अब दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लो, एन एकेडमी के जो टॉप मोस्ट सक्सेसफुल एडुकेटर्स यहाँ पे आप देखते होंगे गाइस, उनके पास भी प्लानिंग होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अपना पूरे के पूरे आप लोगों को क्या पढ़ाना है आने वाले हफ्ते में या इस महीने में, हम लोग पूरा का पूरा प्लान एक दिन में ही बैठ करके कर लेते हैं, डे टू डे करते रहते हैं, तो इस हिसाब से प्लानिंग होती है। और बिना प्लानिंग के, याद रखिएगा, सक्सेसफुल इंसान की सबसे पहली खूबी होती है कि उनके पास प्लान होता है, प्लानिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम, याद रखिएगा, और आज भी, आज आपसे कह रहा हूं, आप भी पहले प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ओके गाइस, मुझे मालूम है कि आप लोगों को आज काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को यहाँ से आज फायदा होने वाला है, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखाया है आप लोगों को, सी बिग ड्रीम्स। जी हाँ, आप लोग बड़े ख्वाब देखो। सर, आप बड़े ख्वाब देखने की बात कर रहे हैं, क्यों बड़े ख्वाब देखना चाहिए ये मैं आज आपको बता रहा हूं। एक्चुअली जब इंसान के पास उसका सपना, उसका एम, उसका लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो उसको पूरा करने के लिए इंसान मेहनत करता है। आपको मालूम है कि अगर हमारे सामने का जो टारगेट है काफी बड़ा होगा, हमारा सपना बड़ा होगा, अगर हम ऑफिसर बनना चाहेंगे तो उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। अगर हम मान के चलेंगे बस भैया हम प्यून बन जाएं, क्लर्क बन जाएं, तो हमारी मेहनत भी उसके हिसाब से कम हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। बड़े ख्वाब देखेंगे तो आप उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, और जब दिन रात मेहनत करेंगे आपसे अंदर से ये आवाज आएगी कि मैं जिंदगी में ये बन के रहूंगा, ये बनूंगा, ये मैं बनना चाहता हूं, मैं चाहती हूं। इस तरीके से आपको ये बड़े ख्वाब, आपके पास सामने प्लान होगा, आपके बिग ड्रीम होगा, तो ये आपकी लाइफ में सक्सेसफुली आप आगे बढ़ते रह जाओगे। चलिए तीसरा पॉइंट हमने आज आपके लिए लेके आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। एक कामयाब इंसान जिम्मेदारी से कभी नहीं पीछे हटता। मैं आज आपको बता रहा हूं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा, सक्सेसफुल पर्सन होगा, वो साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। वो कभी भी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागता है, उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, और उसी जज्बे के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और फिर आगे बढ़ता है। और याद रखिएगा, किस्सा हमेशा फेलवर के पास, जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनके पास बहाने होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल इंसान के पास बहाने करने का वक्त नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागिए नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए, इसको एज अ चैलेंज लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और देखिएगा एक दिन जल्द ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है गाइस। चले आगे पॉइंट हम देखते हैं, टू गेन सम नॉलेज फ्रॉम अदर्स। इसका क्या मतलब है कि हम दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहे, यानी कि आप हमेशा कभी अपने आप को ये मत मान चलिए कि मैं ही सब कुछ सही हूं और मुझे ही सारा चीजें आती हैं। एक्चुअली आप एक समझदार इंसान की, एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है कि वो दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी कोई ना कोई इबरत उससे हासिल करता रहता है, आप कह सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कल तक कोई बहुत टॉप करता था अपने क्लास में या अपने एग्जाम में, आज वो अचानक से फेल होने लग जा रहा है, तो एक्चुअली आपके सामने ये सारी चीजें रहेंगी, तो आप लोगों से सीखना शुरू करिए कि एक्चुअली क्या ये वजह है कि जो एक टॉप पोजीशन के पहुंचने के बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो रहा है। तो आप भी जो गलतियां वो कर रहा है, उस गलतियों से आप भी क्या होंगे, पहले से ही सब अवेयर हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ दूसरों से सीखते रहिए, ठीक है। चलो भाई, तो आई होप आप लोगों को मजा आ रही होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आइए
कुछ चीजें और मैं बताता हूं कि कामयाब इंसान में और क्या खूबियां होती हैं। डोंट वरी अबाउट फेलियर, आप अपने नाकामी से बिल्कुल ना घबराएं, यानी कि कभी भी असफल होने से बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है आपकी लाइफ में, सबके साथ होता है, कि आपने बहुत मेहनत की और आपके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग होते हैं वही थक हार के बैठ जाते हैं, एकदम स्ट्रेस कहते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, कामयाब इंसान कह सकते हैं कि कभी भी घबराता नहीं है इस फेलियर से, बल्कि उससे कुछ सीखता है, क्योंकि दुनिया का हर कामयाब इंसान पहले नाकामयाब होता है और फिर कामयाब होता है। इस चीज के बारे में याद रखिएगा कि पहले कभी ना कहीं जो भी आज सक्सेसफुल पर्सन है दुनिया में, वो कहीं ना कहीं जरूर नाकामयाब हुए हैं, तभी आज वो इतनी बुलंदियों पर, इतने टॉप लेवल पे आज पहुंचे हैं, क्योंकि उनके पीछे ही असफलता है थी जिसको उन्होंने आगे बढ़े और वहां पे आज एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में आप उन्हें देखते होंगे। तो कभी भी याद रखिएगा कि कामयाब इंसान अपने नाकामी से, असफलता से घबराता नहीं है, और आप भी कभी असफलता से घबराइएगा नहीं, आगे बढ़ते रहिएगा और एक दिन सक्सेस तो आपको श्योर है मिलेगी। देन आइए अगला पॉइंट देखते हैं, गेट कंपनी ऑफ हैप्पी पीपल। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं गेट कंपनी ऑफ हैप्पी पीपल, हमेशा खुशहाल लोगों के साथ रहना सीखिए, यानी कि मोटिवेटेड पर्सन लोगों के पास रहिए, डीमोटिवेटेड पर्सन से दूर रहिए, जो आपको हर वक्त अपना दुखड़ा या रोना गाने वाले लोग हैं, बिल्कुल ऐसे लोग लाइफ में आपको पीछे ले जाने का काम करते हैं, आप भी उनसे डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जो टांग खींचने वाले लोग हैं उनसे दूर रहिए और कुछ अच्छे और खुशहाल मोटिवेटेड पर्सन के साथ रहिएगा, आपको अंदर से अच्छा सा फील होगा, आपको अच्छी खुशी होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो कंपनी होंगे, आसपास का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, आप अच्छे लोगों से मिलिए जुलिए, ठीक है? तो ऐसे लोगों से जो आपको कहते हैं यार क्या कर पाओगे, कहां सिलेक्शन होगा, कहां चक्कर में पड़े हो, तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए और हमेशा खुशहाल लोगों के बीच में उठिए बैठिए और उनसे सीखिए। देखिए आपका अच्छा सा एंटरटेनमेंट भी होगा और माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा, और जब इंसान का दिमाग सही होता है ना, जब मानसिक तौर पे वो स्वस्थ होता है तो फिर वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है? मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये याद रखिएगा, अपने आप को मजबूत बनाइएगा, ठीक है? आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए अगला पॉइंट मैं आज आपको देखता हूँ कि कामयाब इंसान और नाकामयाब इंसान में और क्या फर्क होता है। एक्चुअली जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, टू गेट फीडबैक फ्रॉम क्लोज वन, कहने का मतलब वो अपनी फीडबैक लेते रहते हैं, खासकर क्लोज। देखिए दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या कंपनीज है, आप देखो वो क्या करते रहते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो क्या करते रहते हैं, आपसे फीडबैक लेते हैं ना कि बताइए इस बार आपको, मान लीजिए आपने कुछ चीजें परचेस करी मार्केट से, यही मान लीजिए इस पेन को आपने, डिजिटल पेन को परचेस किया, तो अब वो आपसे इस कंपनी का जो भी होगा वो आपसे पूछेगा कि सर बताइए, मैम बताइए, कि आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। एक्चुअली फीडबैक इसीलिए मांगते हैं कि वो सुधार कर सकें, आपके बेहतर, आपकी क्या सोच चल रही है उसको आगे बढ़ सकें, इसीलिए आप भी फीडबैक लेते रहा करें, ठीक है? चलें, देन बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, टू आइडेंटिफाई योर कैपेसिटी, योर एबिलिटी, आप अपनी सलाहियत को, अपनी क्षमता को पहचानिए कि एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, कहां तक आप जा सकते हैं। जिस दिन आप इसको पहचान लेंगे, वाकई आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके अंदर जो क्षमता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए जो आप कर सकते हैं वही लाइफ में करना चाहिए। कभी भी किसी के प्रेशर में या दिखावे में बिल्कुल प्रिपरेशन मत करिएगा। आपके अंदर से जो आवाज आए, जो आप जिस आपको लगता है कि अगर मैं ये काम कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो उस काम को करिएगा, क्योंकि हर इंसान अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को पहचानता है, और जिस दिन आप अपनी क्षमता को पहचान गए, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं, ह्यूमन बिकम लीडर फ्रॉम रीडर। देखो यहाँ पे एक लीडर की बात मैं बात कर रहा हूँ, लीडरशिप की, नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, अच्छा लीडर कहाँ से बना जाता है, लीडर। देखो यहाँ पे नेता का मतलब सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं, यानी इलेक्शन से ही नहीं बात कर रहा हूँ, आप हर फील्ड में एक अच्छे लीडर बन सकते हो आप। और लीडर कैसे बना जाता है, एक्चुअली रीडर से। जितने ज्यादा आप पढ़ते होंगे, जितनी ज्यादा आपके पास चीजें होंगी, नॉलेज होंगे, एक्चुअली आप इस वजह से एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और एक पॉइंट मैं लास्ट में 10th पॉइंट जोड़ दूं, क्योंकि स्लाइड में नहीं है, पंक्चुअलिटी।
जी हाँ, एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा पंक्चुअल होता है अपनी लाइफ में। उसको डे टू डे का, जैसे मैंने प्लानिंग में बताया था, उसको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसके पास पूरा का पूरा प्लान होता है। आई होप गाइस आप इसको समझ गए होंगे। तो ये 10 पॉइंट हैं आपके एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में डिफरेंस मैंने बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन पॉइंट को जरूर फॉलो करेंगे। पहला प्लानिंग, दूसरा सी बिग ड्रीम्स, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ वन टू गेन सम नॉलेज फ्रॉम अदर, एंड फिफ्थ वन डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, देन गेट कंपनी ऑफ हैप्पी पीपल्स टू गेट फीडबैक फ्रॉम क्लोज वन, टू आइडेंटिफाई योर कैपेसिटी, ह्यूमन बिकम लीडर फ्रॉम लीडर, एंड टेंथ लास्ट पॉइंट पंक्चुअलिटी। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा कि कहते नहीं, आपकी सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार इतने अच्छे होने चाहिए। किसी शायर ने क्या कहा है, अपने ख्यालात बदल लीजिए, आपके हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। यानी कि आपकी सोच जिस दिन बदल जाएगी कि आप ये चीजें कर सकते हो, एक्चुअली आपकी हालात बदल जाएगी। इंसान आज हालात का रोना रोता है, यार मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सक रहा हूं, मैं वो नहीं कर पाया। एक्चुअली आपने अपने ख्यालात बदले ही कब, जो आपके हालात बदल जाए। इसीलिए अपने ख्यालात बदल लीजिए और हालात तो अपने आप ही बदल जाएंगे। तो गाइस यहां तक मेरा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को जरूर मुझसे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई आपको आज कुछ सीखने को मिला है, इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बहुत सारे स्टूडेंट के पास इस लेक्चर को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अगर किसी का भी भला हो जाए आपके थ्रू तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ध्यान रखना इन सब सारी चीजों को। मैं हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीजें आपके सामने लेकर के आया करूंगा। ठीक है गाइस, तो अब आपसे यहाँ पे विदा लेने का वक्त आ गया है और मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा ये लेक्चर, मेरी ये मोटिवेशनल चीजें पसंद आई हो, अगर आप मुझसे पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, पेपर वन के और भी टॉपिक अगर मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप एन अकेडमी का रेफरल कोड, आप एन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूज कर लीजिए और मेरा रेफरल कोड है SAF10 और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और जल्द से जल्द यहाँ पे मेरा रेफरल SAF10 यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वीकेंड या उसके बाद जब भी मौका मिलेगा, मैं आपके सामने बीच बीच में कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीजें लेकर के आया करूंगा। जो बच्चे हफ्ते भर तो आप पढ़ते रहते हो ना, मैंने सोचा कि इस वीक में आपको, इस वीकेंड्स पे कुछ मोटिवेशनल चीजें आपको दूं, तो ऐसे ही आपको कुछ चीजें मिलती रहेंगी और आप कुछ सीखते रहेंगे अपने सैफ सर के साथ। ओके गाइस, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।